नमस्कार दोस्तों, करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विगेट का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विगेट ने एक दूसरे के साथ में डिवोर्स ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। और जेनिफर विगेट की बात करें तो जेनिफर विगेट के जो हमेशा से ही दिल में आज भी करण सिंह ग्रोवर की काफ़ी याद रहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बसु से शादी कर ली थी। बिपाशा बसु से शादी करने के बाद में जेनिफर का साथ छोड़ दिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जेनिफर विगेट और करण सिंह ग्रोवर एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। इन दोनों के किस्से तो चर्चा लगातार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो इन दोनों स्टार की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं लोग इनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तकड़ी है और लोग इनको एक बार फिर साथ देखना चाहते हैं। सुनने में तो एक रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है कि ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ में काम करते नज़र आ सकते हैं। हालांकि जेनिफर विगेट की बात करें तो जेनिफर विगेट को बिग बॉस 14 से भी ऑफ़र मिल रहा है, लेकिन उन्हें पिछले सीज़न बिग बॉस 13 बिग बॉस 12 में भी ऑफ़र मिल चुका, लेकिन उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। करण सिंह ग्रोवर की बात करें तो कसौटी जिंदगी में भी वो देखे जा चुके हैं, कबूल है मैं भी देखा जा चुका है उनको। इधर जेनिफर विकेट की बात करें तो बेहद सीजन 1 में भी देखा गया था, बेहद सीजन 2 में भी। बेहद सीजन 2 उनका काफ़ी सुपरहिट सीरियल रहा। बेहद सीजन 1 उन्होंने करण सिंह ग्रोवर के साथ में काम किया था, और बेहद सीजन 2 में उन्होंने आशीष चौधरी के साथ और शिविन नारंग के साथ में काम किया। लेकिन बात करते हैं करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु की, तो इन दोनों की जिस तरीका की शुरू में बॉन्डिंग देखने को मिली थी, हस्बैंड वाइफ की काफ़ी दिलचस्प बॉन्डिंग थी, कहीं ना कहीं लोगों ने इनको काफ़ी हद तक पसंद भी किया। लोग हमेशा से ही ये चाहते थे करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करें। कहीं ना कहीं लोगों की ये उम्मीद भी थी कि करण सिंह ग्रोवर और इधर बात करें जेनिफर विगेट की जोड़ी कभी ना टूटे, लेकिन क्या करें, भगवान को मंजूर नहीं था शायद इन दोनों की जोड़ी टूट गई। बिपाशा बसु से करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर ली, लेकिन इधर बात करें जेनिफर विगेट ने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की, अपनी लाइफ को अकेले ही काट रही हैं। कहीं ना कहीं उनका कोई भी इस टाइम सहारा नहीं है दूर दूर तक। लेकिन बीच में सुनने में आया था कि हर्ष चोपड़ा के साथ में जेनिफर विगेट की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक भी चले गए थे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों फिर अलग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं फिर इन्होंने शिविन नारंग के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। शिविन नारंग के साथ में इनकी जोड़ी हालांकि काफ़ी सुर्खियों में बनी रही, कहीं ना कहीं काफ़ी रंग भी लगी, लेकिन दोनों की काम की बात करें तो दोनों की काम भी काफ़ी अलग हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही बिजी रहते हैं। जेनिफर विगेट की बात करें तो जेनिफर एक सुपर स्टार में से भी आती है, क्योंकि टेलीविजन की सबसे बड़ी और सबसे महंगी एक्ट्रेस में से भी शुमार है, जो कि लोग एक एक सीरियल के काफ़ी पैसे वसूलती है। जेनिफर विगेट और बिपाशा बसु में से अगर बात करी जाए तो जेनिफर विगेट की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक कि बिपाशा बसु से भी कहीं ज़्यादा है, और बिपाशा बसु से काफ़ी खूबसूरत भी हैं। जेनिफर विगेट कहीं ना कहीं आज भी अपने एक्स हस्बैंड यानी करण सिंह ग्रोवर से काफ़ी प्यार करती हैं। इन दोनों के काफ़ी फ़ोटोज़ काफ़ी वीडियो ज़्यादातर वायरल होते देखे हैं हमने। आप लोगों को बता देता हूँ, जेनिफर विगेट और करण सिंह ग्रोवर जो कि तलाक के बाद में एक दूसरे से अलग भी हो चुके हैं, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर था। सुनने में आ रहा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से काम करते नज़र आ सकते हैं। काश अगर ऐसा हो गया तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी बना रहेगा। इसके साथ में बात करते हैं करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु की, तो ये एक दूसरे के साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर चुके हैं, जो कि लोगों ने इनके काफ़ी काम को काफ़ी पसंद भी किया था। करण सिंह ग्रोवर ने हेट स्टोरी 3 मूवी दी थी, काफ़ी अच्छी मूवी चली थी वो, कहीं ना कहीं लोगों ने उस मूवी को काफ़ी प्यार दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।